नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज के सेक्रेट्स के बारे में। 200 डे मूविंग एवरेज आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतरीन है। आप 200 डे के मूविंग एवरेज का उपयोग करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और लाखों रुपए यहां से बना सकते हैं मार्केट से। तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, काफी फायदेमंद है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज में आपको सिंपल मूविंग एवरेज का उपयोग करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग हम इंट्राडे में करते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, सिंपल रहना है, सिंपल यूज करना है, सिंपल रूप से अर्न करना है। स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल है, बस आप यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटेजी का उपयोग कीजिए। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पास जब भी आएगा, अगर प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर नीचे है प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। देखिए रेसिस्टेंस ब्रेक भी होता है और सपोर्ट ब्रेक भी होता है। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डिटेल में हम बताते रहते हैं कब कौन सा ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होगा, कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब देखिए यहाँ पर जब सपोर्ट लिया यहाँ से रिजेक्शन मिला, मतलब सपोर्ट मिला 200 मूविंग एवरेज से, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर कहीं पे भी तो 2300-2350 रुपये पर बाय करते हैं, यहाँ से देखिए 2500 रुपये से भी ऊपर गया स्टॉक्स, 200 रुपीज का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ कुछ ही दिनों में। फिर देखिए यहाँ लगातार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो नैरो रेंज बना रखा है। तो जब इस तरह का प्राइस रेंज बन जाए तो फिर आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी देख रहे हैं मार्केट में काफी ज्यादा शार्प फॉल देखने मिला है। तो यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर यह सपोर्ट जो है ब्रेक हो सकता है, जो सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज का। अब देखिए हम पीछे चलते हैं, देखिए कितना बेहतरीन रूप से ये स्टॉक सपोर्ट लिया है। देखिए प्राइस इसके नीचे था, यहाँ पर रेसिस्टेंस का ये काम करता, यहाँ पर आया 200 डे मूविंग एवरेज के पास, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया। फिर देखिए यहाँ पर जब इसको मतलब ब्रेक किया तो देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ, एक बुलिश मॉर्फोलॉजी के साथ यहाँ पर इसको ब्रेक किया और फिर प्राइस इसके ऊपर गया। और यहाँ पर देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम पहले कर रहा था वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगा। और ये रिलायंस कंपनी का स्टॉक्स है, आपको जो भी स्टॉक्स लेना है वो निफ्टी 50 का ही लेना है। देखिए हम निफ्टी 50 की बात क्यों करते हैं, इसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है, ये मार्केट के साथ स्टॉक्स मूव करते हैं, मार्केट के साथ डाउन आते हैं, और सारे जो ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, FIs ट्रेड करते हैं, DIs ट्रेड करते हैं। तो इसलिए आपको इन्हीं स्टॉक्स में ये अप्लाई करना है, कभी भी छोटे पेनी स्टॉक्स, छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये नियम नहीं लगाना है। तो जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही आपको अप्लाई करना है। तो मतलब जिसमें अच्छे खासे लिक्विडिटी हो उसी स्टॉक्स में अप्लाई कीजिए। यहाँ देखिए स्टॉक्स इसके ऊपर गया तो यहाँ पर फिर से वापस आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जैसे यहाँ पर इससे दूर जाने लगा 200 डे मूविंग एवरेज से, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं कहीं पे भी। और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसके नीचे 1-2 दिन तक क्लोज हो जाए, मतलब इसके नीचे ट्रेड करने लगे 1-2 दिन तक, तब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना बुक करना है। अब देखिए हम फिर पीछे चलते हैं, देखिए स्टॉक्स कितना यहाँ पर आया, देखिए मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर देखिए वापस चला गया। तो यहाँ पर ब्रेक किया, ये सस्टेन इसके नीचे नहीं किया, देखिए 2-3 दिन तक इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्लोज हुआ, एक दिन तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, लेकिन इस रेड कैंडल में वॉल्यूम था ही नहीं, तो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। वॉल्यूम का सपोर्ट मिलना काफी जरूरी है, तभी जाकर के कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है। यहाँ पर वॉल्यूम था ही नहीं, ये फेक ब्रेकआउट था, और फिर से देखिए प्राइस उसके ऊपर चला गया था। जैसे इसके ऊपर जाएगा, नीचे आया, हमें यहाँ पर बाय नहीं करना है, जैसे इसके ऊपर जाने लगा तो आप यहाँ पर बाय कर सकते थे, यहाँ से बाय करते तो देखिए 1960 से यहाँ पर 2220 रुपया तक चला गया स्टॉक्स, काफी अच्छा वहां पर प्रॉफिट मिला। अब देखिए फिर पीछे चलते हैं, तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा से इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स इसको ब्रेक किया, ये क्रेश है जो मार्च 2020 में आया था, स्टॉक्स आया फिर यहाँ पर स्टॉक्स जो नीचे से ऊपर जैसे क्रॉस करने लगा, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस किया 200 मूविंग एवरेज को, फिर से यहाँ पर इसको टेस्ट किया और इसके ऊपर से ही ये स्टॉक्स वापस ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर आप जैसे इसके दूर जाने लगा 200 मूविंग एवरेज से, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते थे, यहाँ पर तो काफी बेहतरीन आपको रिटर्न मिलता। ये 1400 रुपया से स्टॉक्स लगभग यहाँ देख सकते हैं 2300 रुपया तक गया, तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर मिलता आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसे मार्केट क्रेश होने से पहले यहाँ पर आया 200 मूविंग एवरेज पर, स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर वापस गया, फिर यहाँ पर दोबारा आया तो इसको ब्रेक किया। तो ये अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा हो
लंबे समय तक ये रेसिस्टेंस का काम करता है, जब प्राइस इसके ऊपर हो तो ये सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद काफी स्टॉक्स यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से इसके ऊपर गया, ऊपर गया तो यहाँ से फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया तो इसके नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर इसके ऊपर चला गया, तो बार बार इसके ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक से इसके ऊपर गया, और यहाँ पर जैसे ऊपर गया तो हमें थोड़ा दिन इसके ऊपर ट्रेड होने देना है, क्योंकि प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो हमें इसके स्ट्रेंथ को देखना है, प्राइस में स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसके ऊपर जो है ट्रेड करना चाहिए। तो इसके ऊपर लगातार यहाँ पर ट्रेंड होने लगा, फिर से यहाँ पर नीचे आया, फिर से यहाँ पर दूर जाने लगा, तो जैसे 200 मूविंग एवरेज से दूर जाने लगा तब हमें बाय करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कहीं पे भी 1300 रुपया पे बाय करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स गया लगभग 1600 रुपया तक, तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर मिलता। अब देखिए यहाँ इसके ऊपर था तो यहाँ पर स्टॉक्स आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से वह बाउंस बैक किया। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक्स जो है काफी समय तक यहाँ पर देखिए इसको सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पर 2018 में स्टॉक्स यहाँ से आया, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखिए कितना बार सपोर्ट लिया, फिर भी इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत रूप से जो 200 मूविंग एवरेज है, प्राइस ऊपर हो तो सपोर्ट का काम करता है और नीचे हो तो रेसिस्टेंस का काम करता है। अब देखिए सपोर्ट कब ब्रेक होगा, रेसिस्टेंस कब ब्रेक होगा, वो प्राइस के स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है। 200 मूविंग एवरेज है, ये हर कोई यूज करता है कि मार्केट जो है बुलिश है या बेयरिश है। जब तक हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक मार्केट जो हमारा बुलिश है। तो जैसे अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं तो देखिए निफ्टी जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी 200 के फॉलो करता है, उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में लेता है। यहाँ देखिए हम निफ्टी पे आ चुके हैं, देखिए निफ्टी भी जो है इसको सपोर्ट के रूप में लेके चल रहा है। देखिए 200 मूविंग एवरेज कितना अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ आया 200 मूविंग एवरेज के पास, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पर आया फिर से बाउंस बैक किया, देखिए फिर से जस्ट इसको टच किया और ऊपर चला गया। अब लगातार इसके अब आसपास कंसोलिडेट हो रहा है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, या तो इसको ब्रेक कर सकता है या तो यहाँ पर जो है फिर ऊपर जाने लगेगा, मतलब इस 200 मूविंग एवरेज से दूर जाने लगेगा, तब जाकर के हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो 200 मूविंग एवरेज से या तो प्राइस दूर जाए, इसके आसपास ट्रेड कर रहा है तो हमें इसको अवॉइड करना है अभी। अब देखिए हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर भी दिखाएंगे कि 200 मूविंग एवरेज कितना बेहतरीन सपोर्ट का काम करता है। इसके नीचे था तो देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था कई दिनों तक, मतलब कई सप्ताह तक यहाँ इसके नीचे ट्रेड किया, फिर इसको यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ ब्रेकआउट के बाद देखिए कितना अच्छा ये सपोर्ट का काम करने लगा 200 मूविंग एवरेज। और इसके पहले जो मार्केट क्रेश था उस क्रेश को भी आप पहचान सकते थे, देखिए यहाँ पर निफ्टी यहाँ आया 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उछाल देखने मिला, उछाल के बाद फिर से दोबारा आया तो इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक किया यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक होने के बाद देखिए ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद एक बड़ी गिरावट इसमें देखने मिला। तो 200 मूविंग एवरेज को जब भी स्टॉक्स नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, जहां पे भी नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा वहां पर आप ट्रेड ले सकते थे, जैसे यहां नीचे से ऊपर क्रॉस किया आप यहीं पर ट्रेड लीजिए, या इसका रिटेस्ट करने का वेट कीजिए, रिटेस्ट किया फिर यहाँ पर लेते थे, यहाँ देखिए अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त होता, फिर से ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाने लगता है, चाहे स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और काफी अच्छा देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आपको प्राप्त होता। तो इस तरह से 200 मूविंग एवरेज का उपयोग करके आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो स्टॉक सेलेक्ट करना है वो निफ्टी 50 का होना चाहिए या अच्छे लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटेजी काफी बेहतर रूप से काम करेगा और काफी अच्छा पैसा आप इसका यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।